तो दोस्तों भाईजान की सिकंदर मूवी होने वाली है अब तक की सबसे बड़ी एक्शन मूवी जो बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी, ऐसा हम नहीं बल्कि फिल्म क्रिटिक्स कह रहे हैं। जी हाँ, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने ईद के मौके पर अपनी नई एक्शन थ्रिलर फिल्म सिकंदर अनाउंस की थी। अब खबर है कि सलमान खान जल्दी अपनी नई फिल्म सिकंदर की शूटिंग करने वाले हैं। मिड डे में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक सलमान खान एक्शन थ्रिलर फिल्म सिकंदर का पहला शेड्यूल मई में शुरू करेंगे। फिल्म का डायरेक्शन मुरुगदास करेंगे। मुरुगदास मई में फिल्म का पहला शेड्यूल शूट करने के बाद जून में शिव कार्तिकेयन की फिल्म खत्म करने के लिए वापस जाएंगे। फिर वह जुलाई से सलमान खान की फिल्म को पूरा समय देंगे। बता दें, सलमान खान ने नई फिल्म सिकंदर का ऐलान ईद के दिन किया था। फिल्म के ऐलान के साथ ही सलमान खान ने बताया था कि सिकंदर अगले साल ईद 2025 के मौके पर सिनेमा घरों में दस्तक देगी। बता दें, सलमान खान स्टारर सिकंदर का प्रोडक्शन साजिद नाडियाडवाला कर रहे हैं। साजिद और सलमान खान सिकंदर से पहले किक समेत कई फिल्मों के लिए साथ आ चुके हैं। इस फिल्म को सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बताया जा रहा है जो बहुत बड़े बजट के साथ बनाई जा रही है। हाल ही में जानकारी सामने आई थी कि फिल्म में हीरो से 10 गुना ताकतवर विलन होगा जिससे सिकंदर लड़ेगा। इतना ही नहीं, कहा जा रहा है सिकंदर मूवी में एक नहीं बल्कि दो हीरोइन होगी। सिकंदर को इंडिया और यूरोप में बड़े स्केल पर शूट किया जाना है। सलमान खान की यह फिल्म इसीलिए भी खास है क्योंकि सलमान ने काफी सोच विचार कर इस फिल्म में काम करने का फैसला किया है। अब सिकंदर से उम्मीद जताई जा रही है कि सलमान खान बॉक्स ऑफिस पर फिर से छा जाएंगे। इस फिल्म का बजट 400 करोड़ बताया जा रहा है। लंबे समय से मुरुगदास सलमान खान के साथ काम करना चाह रहे थे, वो अब जाकर संभव हुआ है। साजिद नाडियाडवाला इसे अपने प्रोडक्शन की सबसे बड़ी और एम्बिशियस फिल्म के तौर पर बना रहे हैं। इसे एक एक्शन थ्रिलर फिल्म बताया जा रहा है जिसे 2025 की ईद पर रिलीज किया जाएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि यह फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर कितने करोड़ का बिजनेस करेगी, कमेंट करके जरूर बताना। बाकी अगर आप भी सलमान खान के डाई हार्ट फैन है तो ऐसे ही सलमान खान की मूवी से रिलेटेड हर एक अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।